बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों को लेकर रणनीति बननी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल होंगे। टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत वो भी शिरकत करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। तो आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। जिन राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके अलावा दो और राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, उन चुनावी राज्यों की बैठक है। चुनाव का सामना करने वाले राज्यों की, उसी में छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, ये तमाम लोग, इसके अलावा टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत, ये तमाम नेता भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तमाम राज्यों के वैसे नेता पहुंचेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, तो रायपुर की रणनीति और दिल्ली में इसे लेकर मंथन। दिल्ली से सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट रायपुर की रणनीति और दिल्ली में मंथन, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिये चुनावी राज्य को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है। कल तेलंगाना के मसले पे बैठक हुई, करीब 3 घंटे बैठक चली। आज छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें जो वहाँ के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं सबको बुलाया गया। करीब 11:30 बजे से ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होगी। क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटजी है, और जिस तरह से सरकार और संगठन के बीच जो सामंजस्य की बात है, जो तालमेल की बात है, उसको कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। जो स्कीम्स हैं राज्य सरकार की, जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, उन स्कीम्स का क्या फायदा आम लोगों को मिल पा रहा है, उस स्कीम से पार्टी को कितना फायदा मिल रहा है, तो तमाम इश्यूज को लेकर चर्चा होनी है। संगठन बेहतर तालमेल कैसे हो सके इस मसले को लेकर, और चूंकि चुनावी राज्य है, चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले हैं, और ऐसे में सभी चुनावी राज्यों की समीक्षा की जा रही है कांग्रेस दृष्टि के द्वारा, इसीलिए छत्तीसगढ़ के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं सबको बुलाया गया है, चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तकरीबन 11:30 बजे ये बैठक और रवि के जरिए हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इधर रायपुर में बीजेपी आज नया भारत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत नया भारत उत्सव सुबह 11 बजे, कुछ देर बाद ये शुरू होना है। NIT में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रायपुर सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्सव में विकास प्रदर्शनी, 3D रंगोली, इसके जरिए प्रदर्शन किया जाएगा केंद्र सरकार की योजनाओं का। युवा संवाद ये भी रखा गया है, एक सेगमेंट युवा संवाद का भी है, युवाओं से बातचीत होगी, शहर के युवाओं से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर, कोया कुटमा समाज के लोगों ने की है घर वापसी। लोहांडी गोड़ा ब्लॉक के 6 लोगों ने धर्म परिवर्तित कर लिया था, अब वापस ये अपने धर्म में लौट आए हैं। 6 लोगों ने अपने मूल आदिवासी समाज में वापसी कर ली है, देवी देवताओं को साक्षी मानकर अपने धर्म में लौटे हैं। लोहांडी गोड़ा के गड़िया गांव का ये पूरा मामला है, दरभा ब्लॉक लगता है, कांटा कादा मांझी पारा, यहां पर लोगों ने घर वापसी की है। एक ही परिवार के 7 लोग घर वापस लौटे हैं। समाज के प्रमुख लोगों के सामने ये घर वापसी हुई है। कांटा कादा मांझी पारा, यहां पर लोगों ने घर वापसी की है। एक ही परिवार के 7 लोग, कुछ साल पहले इन्होंने धर्म परिवर्तित किया, ईसाई धर्म अपनाया और अब वापस ये अपने घर पहुंचे। समाज के प्रमुख लोगों के सामने वापस, आदिवासी समाज में वापसी। और इन सब के बीच एक
महत्वपूर्ण जानकारी दर्शक ये भी जान लें कि आदिवासी दरअसल धर्म क्या है। हर कोई अपने धर्म का दावा किए जा रहा है, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक, अंग्रेजों के समय की जनगणना से लेकर अब तक, आदिवासी अपने धर्म को आदिवासी को ही अपना धर्म बताते हैं। अदर में, धर्म के कॉलम में अदर में लिखा जाता है आदिवासी, और इसे लेकर तमाम दावे प्रतिवादे प्रतिदावे ये अदालतों में भी लगे हुए हैं। कोया कुटमा समाज के ये लोग हैं जो मूल समाज में वापस लौटे हैं। श्रीनिवास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास के पास हम आपको लिए चलेंगे सीधे जगदलपुर और उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे। श्रीनिवास, विस्तार से जानकारी दें और ये भी बताएं कि कब, अगर वक्त पता चल पाया हो, कब आखिर इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था और अब कितने साल बाद ये वापस अपने मूल आदिवासी समाज में लौटे हैं। जी 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 बिल्कुल, ये लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक के गड़िया पंचायत का मामला है जहां 6 लोग अपने धर्म को बदल के ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए थे। ये लगभग 10 से 15 वर्ष पहले का मामला है जहां पर ये पंचायत के 6 लोग धर्म को बदल लिए थे, जिसके बाद गांव के लोगों ने, गांव के प्रमुखों ने उनको समझाइश दी कि अपने मूल धर्म में वापस आए, अपनी संस्कृति अपने रीति नीति को अपनाएं, जिसके बाद ये सभी 6 ग्रामीण समाज के प्रमुख के साथ बैठक की। वहां के सरपंच मौजूद थे, जी मुखिया पटेल, इनके सबके सामने वहां पर देवी की पूजा की, ग्राम देवी की अर्चना की, जिसके बाद ये सभी 6 जो लोग हैं ये अपने मूल धर्म में वापसी हुए हैं। साथ ही इसके अलावा दरभा ब्लॉक में भी एक मामला आया है जहां पर एक परिवार के 7 लोग अपने धर्म में वापसी किए हैं। ये भी कुछ वर्ष पहले हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए थे, जिसके बाद गांव प्रमुख की बैठक हुई और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अब ये मुहिम शुरू हो गई है और ये लगातार घर वापसी का दौर शुरू हो चुका है। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब दुर्ग से बड़ी खबर, बहुप्रतीक्षित पावर हाउस फ्लाईओवर आखिरकार आज से शुरू होने जा रहा है। रायपुर से दुर्ग आने जाने वाली लेन को खोला जाएगा, रायपुर जाने वाले वाहन सर्विस रोड के जरिए चल सकेंगे। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में ये ब्रिज बना है, प्रदेश का सबसे ऊंचा ब्रिज। बार बार इसकी ओपनिंग टलती रही, टेस्टिंग के लंबे दौर से ये गुजरा है, कई सारे निर्माण कार्यों में कई सारे आरोपों की बात निकलकर सामने आई, अव्यवस्थाओं की बात निकलकर सामने आई, लेकिन चलिए आखिरकार पावर हाउस फ्लाईओवर आज से शुरू होने वाला है। नेशनल हाईवे 53 पर यह प्रदेश का सबसे ऊंचा ब्रिज होने का दावा किया जा रहा है, बहुप्रतीक्षित, लंबे अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा था। रायपुर और दुर्ग के ट्रैफिक को इसके जरिए राहत मिलेगी। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिथिलेश के पास सीधे हम आपको दुर्ग लिए चलेंगे। मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे, मिथिलेश आखिरकार लंबे इंतजार के बाद, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद, लंबी चौड़ी टेस्टिंग के बाद आज से फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा, क्या अपडेट? ललित बिल्कुल, आज से कुछ राहत जरूर मिलने वाली है लोगों को, लेकिन खुशी जो है अभी अधूरी है क्योंकि एक तरफ का ही फ्लाईओवर चालू किया जा रहा है जो रायपुर से दुर्ग की ओर आता है, उस लेन को चालू किया जा रहा है, और जो दुर्ग से रायपुर की ओर जाते हैं वो अभी फिलहाल जो है लेन अभी चालू नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ काम बचे हुए है। लेकिन खुशी अधूरी है और राहत भी अधूरी है क्योंकि एक ही लेन को चालू किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहत की बात यह है कि जो काफी जो ट्रैफिक जाम हुआ करता था भिलाई से रायपुर के बीच में, जो सबसे प्रमुख चौराहा कहलाता है पावर हाउस का, यहां पर जो है अक्सर ट्रैफिक जाम हुआ करता था, एक तरफ का भी यदि लाइन चालू होता है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी और दूसरे लाइन का जो चालू होने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश का यह पहला ऐसा ब्रिज है जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनाया गया है, मतलब जो ब्रिज जो जा रहा है रायपुर की ओर जा रहा है वो ऊपर से जा रहा है, उसके नीचे से एक और ब्रिज है जो भिलाई की ओर क्रॉस करता है, तो सबसे बड़ा सबसे ऊंचा यह ब्रिज माना जा सकता है। जब 1600 मीटर करीब यह लंबा ब्रिज है, करीब इसके 18
मीटर इसकी ऊंचाई है, काफी ऊंचा ब्रिज है ये, और इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। भिलाई से लेकर रायपुर के बीच में करीब 4 फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भिलाई पावर हाउस एक ऐसा एरिया है जहां से न सिर्फ टाउनशिप बल्कि रायपुर जाने वाले और हैवी इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र को जाने वाले ये जो ब्रिज है ये यहां से ही सब आना जाना करते थे, चौक से आना जाना करते थे। जब ये ब्रिज बन जाएगा तो जो हैवी ट्रैफिक है वो रायपुर की ओर जो जाने वाला है वो फ्लाईओवर से जाएगा, और जो बाकी जो हल्के वाहन है वो नीचे से जा सकेंगे। लोग काफी इसका इंतजार कर रहे थे, 5 साल से इसका इंतजार किया जा रहा था, अब जाकर जो खुशी मिलने वाली है वो अधूरी खुशी मिलने वाली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस दोनों लेन को चालू कर दिया जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। चलिए चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम, 5 साल का इंतजार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। परिवहन से बात अब पानी की करेंगे। भिलाई से बड़ी खबर, निगम क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में आएगी बाधा। कल हालांकि पानी की आपूर्ति बाधित नहीं होगी, सामान्य दिनों की तरह लोगों को पानी मिलने लगेगा। मरम्मत की तारीख बदल दी गई है, अब जो मेंटेनेंस का काम होना था वो 3 जुलाई को किया जाएगा। मुख्य पाइपलाइन में लीकेज है, इसके मेंटेनेंस का काम करना है, पर वो कब किया जाएगा? 3 तारीख को। पहले कहा गया था कि कल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल फौरी राहत मिलेगी, कल पानी की सप्लाई नॉर्मल रहेगी। और अब खबर दुर्ग से, पुलिस के प्रयास से आत्महत्या की एक घटना रुक गई। फांसी पर लटकने से पहले पुलिस पहुंच गई और आत्महत्या की कोशिश कर रही एक महिला को बचा लिया गया। डायल 112 की सूझबूझ के चलते ये जान बची। मोहन नगर थाना इलाके का पूरा मामला है। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि खुदकुशी की ये कोशिश पूरी हो पाती पुलिस वहां पर पहुंच गई। सहयोगी मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, पूरा घटनाक्रम बताएं, महिला की खुदकुशी से जुड़ा जो मामला है, नाकाम खुदकुशी से। जी बिल्कुल, बड़ी बात है कि आज दुर्ग पुलिस के प्रयासों से एक महिला की जान जाते जाते बच गई। यदि समय में पुलिस नहीं पहुंचती तो निसंदेह आज एक और आत्महत्या की घटना हो जाती। ये पूरी घटना जो है मोहनगर थाना क्षेत्र की है, जहां पर डायल 112 को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने आप को कमरे में बंद कर ली है और वो दरवाजा नहीं खोल रही है और कोई अनहोनी हो सकती है। इस सूचना पर डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, काफी खटखटाया गया, दरवाजा नहीं खुला, तो आखिरकार डायल 112 की टीम के जो सदस्य थे उन्होंने दरवाजा को तोड़ दिया और फांसी पे लटकने के पूर्व ही महिला को बचा लिया। यदि जरा भी देरी हो जाती तो निसंदेह एक बड़ी घटना हो जाती, एक आत्महत्या की घटना हो जाती, लेकिन समय पे पुलिस पहुंच गई और आत्महत्या की घटना को रोक लिया गया। कुछ पूछताछ की गई है, जिसमें पूछताछ में यह सामने आया है कि पति पत्नी के बीच में विवाद था और विवाद के ही कारण डिप्रेशन में आकर जो महिला आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद में और भी कोई कारण सामने आ सकेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक आत्महत्या की घटना होने वाली थी वो रुक गई और ये पुलिस का प्रयास निसंदेह काफी सराहनीय माना जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर, ढाबे में हो गई है मारपीट। मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर इन्होंने मारपीट की थी और अब इस मामले में बड़ा अपडेट यह कि गिरफ्तारी हो गई है। ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की, मारपीट की थी। ढाबा संचालक ने इस बात की शिकायत तारबहार पुलिस से की थी। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तोड़फोड़ और मारपीट की तस्वीर, कुछ दिनों पहले जब यह घटनाक्रम हुआ और अब जब ये रंगदार ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है, सर झुकाए खड़े हैं। कांकेर से बड़ी खबर, प्रसूता की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई और परिजनों का कहना है कि लापरवाही के चलते ये मौत हुई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कोतवाली थाना इलाके की घटना है। निजी अस्पताल में प्रसव के लिए डिलीवरी के लिए इस महिला को भर्ती करवाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। इसके बाद जो परिजन थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। कोतवाली थाना इलाके की पूरी घटना। नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगा बोला है और उसके बाद में बोलना
रात में नहीं आया डॉक्टर देखने? नहीं, रात में नहीं आया डॉक्टर साहब, 3 बजे आया। हाँ, सीधा 3 बजे आया डॉक्टर। नर्स लोग से भी पूछने लगे कहाँ है डॉक्टर, तो बोले खाना खाने गया बोल रहा है। और उसके बाद में देखते तो डॉक्टर साहब को पता ही नहीं कहाँ है डॉक्टर साहब। लापरवाही किए हैं? लापरवाही के कारण हुआ भाई, डिलीवरी के बाद में नॉर्मल डिलीवरी करवा रहा हूँ बोला है, और देखो तो इतना बड़ा हादसा करा है वो। खबर बिलासपुर से, जहां मां बेटी समेत 3 आदिवासी महिलाएं लापता हो गई हैं। परिजनों ने रतनपुर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। रतनपुर थाने के कुम्हड़ा खोल गांव का यह पूरा मामला है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। लापता महिलाओं की तलाश की जा रही है। खबर अंबिकापुर से, जहां 5 साल बाद एक शिक्षक को अदालत ने सजा सुनाई है। परीक्षा पास कराने के नाम पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप इस पर था। घर बुलाकर छात्रा से इसने छेड़खानी की थी, इस तरह के आरोप लगे। इनायतुल्लाह 3 साल की सजा दी गई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। शिक्षक शैतान साबित हुआ अदालत के सामने। इनायतुल्लाह 3 साल की सजा। खबर पेंड्रा से, जहां सड़क पार करता दिखा है हाथियों का झुंड, और हाथियों को देखने के लिए सड़क पर भीड़ लग गई। मरवाही वनमंडल में 1 महीने से हाथियों का यह दल घूम रहा है। कई घरों को यह नुकसान पहुंचा चुका है, और अब जब यह सड़क पार करता नजर आया, लोगों की भीड़ लग गई। अपने कैमरे से लोग रिकॉर्डिंग करते नजर आए। बार बार वन विभाग ये ताकीद करता है, नसीहत देता है, अपील करता है कि हाथियों के साथ ऐसा कोई घटनाक्रम उनके आसपास, ऐसी कोई हरकत उनके आसपास ना करे जो उन्हें गुस्सा दिलाए। रायपुर से खबर, आज प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर वज्रपात, बिजली वज्रपात भी हो सकता है, बिजली भी गिर सकती है। 24 घंटे में डोंडी लोहारा में 22 सेंटीमीटर बारिश। आने वाले दिनों में मौसम सामान्य बना रहेगा। अधिकतम तापमान 4 डिग्री और बढ़ सकता है। लगातार बारिश के चलते नमी 28% तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के मशहूर यूट्यूबर कॉमेडियन देवराज पटेल का सड़क हादसे में निधन हो गया। इनके हर अंदाज पर लोग गुदगुदा उठते थे। उनके निधन की खबर वाकई पीड़ादायक रही। अब देवराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हेलो दोस्तों, भगवान ने मेरा शकल ऐसा बनाया है ना कि लोगों को समझ नहीं आता है, क्यूट बोले या क्यूटिया। बाय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।